नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस करा रहा हूँ कंटिनेंट वाइज। तो हम दो कंटिनेंट पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वन इज एशिया एंड सेकंड वन इज नॉर्थ अमेरिका। तो आज जो हमारा टॉपिक पढ़ने की बारी है ना, वो है आपका साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका के बारे में। जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उन्हें देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएंगी और एक क्रम से भी आप इन चीज़ों को करते हुए चलेंगे। साउथ अमेरिका के बारे में, जैसे आपने अगर पहली वीडियोस देखी हैं तो आप सभी को पता होगा मैं हर चीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे प्लेट्यू हो, चाहे डेजर्ट हो, माउंटेन पीक्स हो, या फिर आपकी लेक्स हो, हम सब के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं, गल्फ, बे एंड सी, सभी के बारे में। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यही होगी कि हम साउथ अमेरिका के सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैप से। तो इस मैप में अगर हम ध्यान से देखें तो हम समझने वाले हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। नॉर्थ अमेरिका पिछली वीडियो में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, इससे पहले मैं आपका एशिया कंटिनेंट करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपका एशिया कंटिनेंट हो चुका है। फिर आपका यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कंटिनेंट बचे हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट। 1, 2, 3 और एक चौथा कंटिनेंट नीचे है, यहाँ पर कौन सा है आपका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो उसे हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा ये सेकंड वीडियो मैंने इसकी कराई थी, फर्स्ट वीडियो एशिया की, एंड टुडे इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ कंटिनेंट्स। तो इसे हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है कुल 7 महाद्वीप हैं विश्व में, और 7ों में हम तीसरा पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, आप यहाँ ये सारे कंटिनेंट देख पा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों आपस में डिस्कनेक्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पर एक पनामा जल संधि है। ठीक है, पनामा जल संधि यानी पनामा स्ट्रेट। तो इस पनामा जल संधि द्वारा ये दोनों कंटिनेंट अलग होते हैं, और दो ओशियंस, ये आपका पूरा पूरा अटलांटिक ओशियन है और इधर वाला ये पैसिफिक ओशियन है, ये दोनों ओशियंस जुड़ते हैं और ये दोनों कंटिनेंट कैसे होते हैं, अलग होते हैं। अब आगे हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में। देखिए, जो हमारा साउथ अमेरिका है इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में, सही बताया, 4 पार्ट्स में। ठीक है, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा आपका पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सेकंड वन इज पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र यानी वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन। थर्ड वन मध्यवर्ती मैदान मिडल प्लेन्स, एंड पूर्वी उच्च भूमि यानी ईस्टर्न हाईलैंड्स। देखिए कौन कौन से होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तटीय क्षेत्र की, तो ये सारा तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ठीक है, छोटा सा, बहुत पतली कतार के रूप में। नेक्स्ट की बात करें तो अब आता है माउंटेन रीजन, जो आपकी एंडीज माउंटेन रेंज है ना, एंडीज पर्वत श्रृंखला, वो यहाँ इस तरह से फैली हुई है वेस्ट पार्ट में, किसके में, आपके साउथ अमेरिका के पार्ट में। ठीक है, और अगर बात करें मध्यवर्ती मैदान की, तो मध्यवर्ती मैदान है सारे के सारे। ठीक है, मिडल प्लेन्स, और आपका ईस्टर्न हाईलैंड्स, यहाँ पर कुछ पठार पाए जाते हैं, ये वाला पठार है कुछ, यहाँ पर एक पठार अर्जेंटीना में भी। तो इस तरह से हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम इन्हीं क्रम से इन्हें पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात आती है पश्चिमी तटीय मैदान की। उत्तरी भाग में कम चौड़ा, यहाँ पर बहुत कम चौड़ा है, और लास्ट में दक्षिणी भाग में यहाँ थोड़ा सा अधिक चौड़ा है तटीय मैदान। ये तटीय क्षेत्र हैं। तटीय क्षेत्र कैसे होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं इस मैप को सामने से ना देखकर इस तरह से देखूँ हॉरिजॉन्टल, तो आप देखेंगे कि ये ज़मीन है, ये यहाँ पर आपका समुद्र है ये वाला, और यहाँ पर ये एंडीज माउंटेन रेंज है। ठीक है, फिर यहाँ का प्लेट्यू है, थोड़ा सा इधर की तरफ डायरेक्शन कम हो, ये स्लोप नीचे होता चला जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ ईस्टर्न हाईलैंड्स है, और ये इस तरह से यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशियन है, ये वाला ओशियन यहाँ हो गया और ये वाला ओशियन यहाँ हो गया। तो अब आप देखिए किस तरह समझ पाएंगे, ये तो हो गया कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, ये हो गई आपकी एंडीज माउंटेन रेंज, ये आपके मिडिल प्लेन्स हो गए, ये आपके ईस्टर्न हाईलैंड्स हो गए,
ये इस तरह से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल फीचर्स आपके इस तरह से समझ में आएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये भौतिक संरचना है किसकी, आपकी दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका की, ठीक है। अब इसी पार्ट में इसने कहा है कि यहाँ पर एक मरुस्थलीय क्षेत्र है अटाकामा, यहाँ पर एक अटाकामा डेजर्ट है जो कि चिली में है। इन डेजर्ट्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो ये एक तरह से ओवरव्यू था मेरा कि आप यहाँ पर इसका फिजिकल डिवीजन साउथ अमेरिका का किस तरह से करेंगे। अब अगर हम आगे बात करें तो बात आती है पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, और पर्वतीय क्षेत्र एक ही है, एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज जो है आपकी इस तरह से यहाँ वेस्ट साइड में है, और ये विश्व की, ध्यान से सुने तो, विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ठीक है। सबसे ऊंची की बात करें, हाईएस्ट माउंटेन रेंज, तो आपकी वो हमारे उसमें एशिया में हिमालय, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, और वो आपकी नेपाल में है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, लेकिन अगर पूछे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो आपकी एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ाई है इसकी, लगभग इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर तक है, यानी कि इसकी जो विड्थ है यहाँ पर इस तरह से 200 किलोमीटर तक है, लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर तक है, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, कहाँ पर, अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पर, यहाँ पर इसकी ये हाईएस्ट माउंटेन पीक, इस पूरे पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी यहाँ चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है, जिसका नाम है माउंट अकांकागुआ। ये इसकी हाईएस्ट पीक होगी, ठीक है, जिसकी हाइट है 6960 मीटर। ओके, ये होगी आपकी वेस्टर्न एंडीज पर्वत क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें। और अगर हम इसके बारे में और देखें तो एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य, यहाँ पर देखिए, एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य ऊंचे पठारी क्षेत्रों जैसे इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलीविया का पठार आदि का विस्तार पाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर ये एंडीज माउंटेन रेंज है, इस एंडीज माउंटेन रेंज में बीच बीच में कुछ प्लेट्यूज हैं, जैसे इक्वाडोर का प्लेट्यू होगा यहाँ पर, ठीक है, आपका एक पेरू का प्लेट्यू होगा यहाँ पर, और आपका फिर आगे है बोलीविया का पठार हो गया यहाँ पर। इस बोलीविया के पठार को हम अल्टीप्लेनो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्टीप्लेनो। और ये जो पठार है अल्टीप्लेनो, जो प्लेट्यू है यानी बोलीविया का पठार जो है, इस अल्टीप्लेनो प्लेट्यू जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार अगर साउथ अमेरिका का पूछे तो आपको जवाब देना है अल्टीप्लेनो, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो जिसे हम बोलीविया भी बोलते हैं, इसका अदर नेम की बात करें तो बोलीविया बोलते हैं, ठीक है। अब इसी बोलीविया पठार पर एक लेक है, यहाँ पर बोलीविया और पेरू की बाउंड्री पर यहाँ पर एक लेक है, झील, जिसका नाम है आपका टिटिकाका। और ये सबसे ऊंची नौकागम्य झील है यहाँ पर नेविगेशन की, ठीक है, यहाँ पर हम नौका चला सकते हैं, नौकागम्य सबसे ऊंची जो है ये झील है, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो अब बताती है बोलीविया की राजधानी, देखिए यहाँ पर इसी पर, यहाँ जब मैंने आपको बताई थी ना टिटिकाका, इसी के पास में बोलीविया की राजधानी है लापाज। कौन सी? लापाज। जो लापाज इसकी कैपिटल है किसकी? बोलीविया की। ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलीविया की लापाज, ठीक है। अब अगर आगे चलें तो बात आती है, अब देखिए यहाँ पर एक प्लेटू की बात की, प्लेटू मैं आपको आने पढ़ाने वाला हूँ। प्लेटू की बात करें तो मोंटेग्रासो का पठार ब्राज़ील और बोलीविया में स्थित है। देखिए यहाँ पर एक प्लेटू है, इसे प्लेटूज में हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ये स्लाइड में ऐड हो गया है और इसे भी हम पढ़ने वाले हैं, छोड़िए इसे। आप देखते हैं मध्यवर्ती मैदान, यहाँ जो मिडिल प्लेन्स है ना, इन मिडिल प्लेन्स की बात की गई है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर अपना मैदान बनाती हैं? एक तो विश्व की सबसे बड़ी जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? अमेजन यहाँ पर बहती है, ठीक है, और वो अपना मैदान बनाती है यहाँ पर। और यहाँ पर प्लाटा नदी तंत्र हम बोलते हैं, जैसे प्लाटा नदी तंत्र, इसे हम पढ़ने वाले हैं कि प्लाटा नदी तंत्र आखिर है क्या। प्लाटा नदी तंत्र अपना यहाँ पर एक जलग्रहण क्षेत्र बनाता है, ठीक है, और ऊपर एक ओरेनिको नदी सिस्टम है यहाँ पर वेनेजुएला में, तो इसे भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लेन्स हो गए जो यहाँ पर इसके अंतर्गत आएंगे। ऊपर आपका ओरेनिको नदी का प्लेन,
बीच में यहाँ पर अमेजन नदी का मैदान और यहाँ पर प्लाटा नदी तंत्र, ये तीन नदी तंत्र हम इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें ईस्टर्न हाईलैंड की, ईस्ट यहाँ इसकी नॉर्थ डायरेक्शन ये होगी, साउथ ये, ईस्ट ये और वेस्ट ये, पश्चिमी के बारे में हम पढ़ चुके। अब ईस्ट की बात करें, मिडिल के बारे में भी हम पढ़ चुके, तो अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो पूर्वी हिस्से में यहाँ पर कुछ पठार हैं, जैसे यहाँ पर ब्राज़ील पठार है, ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ीलियन प्लेटू, ठीक है। और यहाँ पर पैटागोनिया प्लेटू है, कहाँ पर, अर्जेंटीना में। और आगे हम पढ़ेंगे इस तरह से, इन चीज़ों को हम समझेंगे। अब देखिए एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जो दक्षिण अमेरिका है, कुछ आपने नाम सुने होंगे, जैसे लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, ठीक है, मिडिल अमेरिका किसे कहते हैं, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जो आपका मध्य अमेरिका है वो मैक्सिको और पनामा, यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर ये आपका मैक्सिको है, इस मैक्सिको और पनामा वाले क्षेत्र को मिलाकर बनता है आपका मिडिल अमेरिका, यानी कि मध्य अमेरिका, ठीक है। मिडिल अमेरिका के बारे में समझ में आया। अगर मैं अब पीछे चलूँ तो एक चीज़ और दी है यहाँ पर, आपका लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका कौन सा है, तो लैटिन अमेरिका के बारे में समझिए, तो लैटिन अमेरिका जो होगा ना वो आपका ये मैक्सिको और पनामा वाला मध्य अमेरिका तो होगा ही होगा, कैरेबियन द्वीप समूह भी होगा यहाँ पर, और साउथ अमेरिका भी होगा, इन सबको मिलाकर बनेगा लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक। अब अगर बात करें तो इस पूरे साउथ अमेरिका कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश आपको कौन सा होगा, जैसा आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, ब्राज़ील सबसे बड़ा देश ही होगा। कुल देश यहाँ पर लगभग 13 हैं, और इनमें सारे के सारे देश जो हैं सब किसी ना किसी, देखिए इस महासागर से यहाँ पर बाउंड्री बनाते हैं, लेकिन इन दो देशों को छोड़कर, बोलीविया और पराग्वे, ये दो कंट्री ऐसी हैं इस पूरे महाद्वीप में जो लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब यहाँ पर ये किसी भी वाटर बॉडी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती, बाकी अदर कंट्रीज सारी के सारी कंट्रीज जो हैं वो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, जैसे यहाँ पर अटलांटिक ओशन से यहाँ पर पैसिफिक ओशन में शेयर कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी नदियाँ अपनी, सॉरी ये देश अपने बाउंड्री शेयर करते हैं किसी ना किसी वाटर बॉडी के साथ में, ठीक है। अब एक ऐसा देश है, देखिए आप सभी को मैंने बताया था, जैसे यहाँ देखेंगे आप कि ये पैसिफिक ओशन है, सॉरी अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ के देश पैसिफिक इस अटलांटिक ओशन से बाउंड्री शेयर करते हैं, इधर वाले देश आपके पैसिफिक ओशन से बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जो इस अटलांटिक ओशन से भी बाउंड्री शेयर करता है और इस पैसिफिक ओशन से भी बाउंड्री शेयर करता है, यानी प्रशांत महासागर से भी और अटलांटिक महासागर से भी, तो वो है आपका यहाँ पर कोलंबिया, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो देखिए ये वाला पैसिफिक, सॉरी अटलांटिक ओशन, और ये वाला आपका पैसिफिक ओशन, कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पर एंडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एंडीज़ जो है मैं आपको बता चुका हूँ, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और ये एक प्रकार का वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन है। वलित पर्वत के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वलित पर्वत बनते कैसे हैं, पिछली वीडियो में देख लीजिए। इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई जो है आपकी 7000 किलोमीटर तक और इसकी चौड़ाई आपकी 200 किलोमीटर तक। ये सात देशों में फैला हुआ है, सात देश कौन कौन से हैं वही हम देखने वाले हैं, किन सात कंट्रीज़ में है, आपका कोलंबिया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, पेरू, देखिए यहाँ देखिए इस तरह से, ठीक है, आपका कोलंबिया हो गया एक, आपका इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये हैं आपके, वेनेजुएला हो गया, कुछ वेनेजुएला में पार्ट है इसका, तो ये एंडीज माउंटेन रेंज इस तरह से फैली हुई है सेवन कंट्रीज में, ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की झीलें, जो इंपॉर्टेंट झील है ना, जो आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, वो दो बनती हैं, नंबर वन इज टिटिकाका एंड सेकेंड वन इज मरकैबो, देखिए टिटिकाका एंड मरकैबो कहाँ पर हैं, ये इनकी लोकेशन जान लेते हैं, और लोकेशन सबसे पहले देखते हैं हम टिटिकाका की, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। देखिए ये आपकी यहाँ पर लेक टिटिकाका है, जैसा आप यहाँ पर, मैं जूम करता हूँ इसे देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, देखिए ये आप लेक देख पा रहे हैं ना, यही आपकी टिटिकाका लेक है, और बोलीविया और पेरू इन दोनों की बाउंड्री पर है ये टिटिकाका लेक, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं,
लापाज, यहाँ पर इसकी कैपिटल है जो मैंने आपको बताई थी, सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित कैपिटल किसकी, बोलीविया की। तो ये आपकी टिटिकाका हो गई, मैंने आपको बताया था ये सबसे ऊंची नौकागम्य झील है ओके वर्ल्ड में, ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब आगे बात करें तो मरकेबो झील, मरकेबो झील कहाँ पर है, तो आप देखिए मरकेबो झील कहाँ है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं मैप में, तो यहाँ वेनेजुएला में एक लेक है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे होंगे मरकेबो, ये वाली लेक है मरकेबो लेक। मरकेबो झील किस लिए फेमस है, अब इसकी बात कर लेते हैं। मरकेबो झील जो है वो आपकी फेमस है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है खनिज तेल का भंडार है, ठीक है, मरकेबो झील के पास खनिज तेल के, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं मरकेबो झील वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओरिनोको नदी बेसिन का खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है और मरकेबो झील का क्षेत्र कोलतार तथा पेट्रोलियम का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है, कहाँ पर, मरकेबो झील वाले क्षेत्र में। अब ओरिनोको नदी क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे अभी क्या है, ठीक है, ये आपकी झील हो गई। अब दो डेजर्ट हैं आपके, डेजर्ट कौन कौन से, एक अटाकामा डेजर्ट एंड सेकंड वन इज पैटागोनिया डेजर्ट। देखिए जो अटाकामा डेजर्ट है ना वो ये वाला हिस्सा है, कहाँ पर है आप जैसे मैप से समझ पा रहे होंगे, चिली, ठीक है। देखिए अब चिली समझिए, ये आपका चिली कंट्री है, ये अर्जेंटीना है, ये आपका पेरू है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया एंड ब्राज़ील, आपका पराग्वे, उरुग्वे, ये कंट्रीज हो गई, ठीक है। अब ऊपर देखें यहाँ पर गुयाना हो गया आपका, फ्रेंच गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, ये कुछ कंट्रीज हैं, जो सारी कंट्रीज हैं आपको समझ में आ रही होंगी कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री है। अब इसी से हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर जो डेजर्ट है ये अटाकामा डेजर्ट है, किस में, चिली में, और जो पैटागोनिया डेजर्ट है वो आपका कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। तो ये वाला रीजन जो है, जो आप येलो कलर से देख पा रहे हैं, ये सारा सारा अर्जेंटीना का क्षेत्र है सब, तो अर्जेंटीना में आपका पैटागोनिया डेजर्ट है ओके, ये आपके डेजर्ट हो गए। अब आगे अगर हम बात करें तो अब बात आती है नदियों की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आई अब आई है वो है नदियाँ। नदियाँ सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे लंबे जलग्रहण क्षेत्र वाली, सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी वो है अमेजन। अमेजन नदी यहाँ कहाँ से निकलती है, आपके एंडीज माउंटेन रेंज से निकलती है और इस तरह से बहती हुई आपकी जल यहाँ गिराती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि जो आपने भूमध्य रेखा और मकर रेखाएं पढ़ी होंगी, दो तीन रेखाएं होती हैं, कर्क, भूमध्य और तीसरी है आपकी मकर। देखिए इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर, इसे बोलते हैं इक्वेटर, और जो नीचे वाली आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, ठीक है। अब कर्क रेखा तो इस महाद्वीप से होकर गुजरती नहीं है, एक तो आपकी जीरो डिग्री रेखा जाती है यहां से बीचों बीच, ठीक है, ये आपकी कर्क, सॉरी भूमध्य रेखा, इक्वेटर, और दूसरी जो है आपकी वो यहां से जाती है, वो है आपकी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इस महाद्वीप से दो रेखाएं गुजरती हैं, कौन सी, मकर, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, और एकमात्र ऐसा देश विश्व में कौन सा है जिससे दो रेखाएं गुजरती हैं, नंबर वन इज भूमध्य, सेकंड वन इज मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो वो आपका ब्राजील है। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है विश्व में जहां से दो यानी भूमध्य रेखाएं और मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं, तो इस तरह से आप इस चीज़ को भी बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अमेजन नदी तंत्र के बारे में। अमेजन नदी के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था यहाँ एंडीज माउंटेन रेंज से इसका उद्गम होता है, यहाँ से निकलती है और इस तरह से बहती हुई अपना जल यहाँ अटलांटिक ओशन में गिराती है, और जहाँ अपना जल गिराती है यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा बिल्कुल इसी माउथ से गुजरती है, जहाँ पर जल गिराती है अमेजन नदी यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। और अगर बात करें अमेजन नदी की तो सबसे लंबी सहायक नदी इसकी है मदिरा, जैसे मदिरा बोल दीजिए या फिर मदिरा बोल दीजिए, ये सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी, आपकी अमेजन की। और अमेजन की और सहायक नदियों की बात करूँ तो एक नीग्रो नदी है यहाँ से आ रही है, मदिरा हो गई, अमेजन ये यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर जब ये नदी बहती है तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ वर्षा अधिक पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य
ऊपर रहता है, बिल्कुल सीधी रेखाएं पड़ती हैं, यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है समुद्र से पानी का, और यहाँ जब बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ पर घने जंगल भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो घने जंगल पाए जाते हैं ना, इसे ही हम बोलते हैं सेलवास, ठीक है, सेलवास बोलते हैं इन जंगलों को। ये बहुत ऊंचे क्षेत्र, ऊंचे जंगल होते हैं, इनकी लगभग पेड़ों की ऊंचाई 80-80 मीटर तक होती है। तो यही जो जंगल होते हैं, जब ज़्यादा पेड़ होंगे यहाँ पर तो वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, तो इन्हें हम इसी वजह से क्या बोलते हैं, विश्व का, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। लगभग ये जो जंगल हैं पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ से जो पृथ्वी की पूरी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन तो आपकी यहीं सेलवास वाले जंगलों से ही निकलती है, अमेजन रेन फॉरेस्ट से, इन्हें अमेजन रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अमेजन नदी के बारे में कुछ बातें होंगी। अब बात आती है कैरो रिवर, कैरो की बात में हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक नदी जाती है एंडीज माउंटेन से निकलती है, ओरेनिको, ये नदी है ओरेनिको, ये वही नदी है जो आपकी यहाँ पर, ये खनिज तेल के लिए फेमस है, यहाँ पर खनिज तेल के भंडार हैं, और इसी की एक सहायक नदी है कैरो रिवर, इसी से आगे मिलती है, और इसी कैरो रिवर पर यहाँ पर एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल तो आप सभी जानते होंगे, जलप्रपात, जो ऊंचाई से जल गिरता है उसे बोलते हैं, यहाँ पर है वो है एंजल, एंजल वाटरफॉल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कितना, विश्व का सबसे ऊंचा। तो आपसे पूछ सकता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है, तो आप सभी बताएंगे एंजल, और कहाँ पर, आपकी ओरेनिको नदी की सहायक नदी कैरो रिवर पर, ठीक है, ये आपकी कैरो रिवर और ओरेनिको रिवर होगी। तो हमने कौन कौन सी रिवर पढ़ ली, तो वो हम बात करने वाले हैं। आप देखिए अमेजन पढ़ चुके हैं, मदिरा, कैरो एंड आपकी ओरेनिको। अब बात करते हैं मैग्डालेना, जो सबसे नीचे देख रहे हैं, तो मैग्डालेना रिवर जो है वो आपकी एंडीज माउंटेन रेंज से ही निकलती है, और इस तरह से होती हुई कोलंबिया में बहती हुई अपना जल यहाँ पर कैरेबियन सागर में गिराती है, ठीक है। तो ये कोलंबिया में ही बहती है, कौन सी, मैग्डालेना। अब बात आती है तीन नदी, पराना, परागवे और आपकी उरुग्वे। देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पर ये ब्राज़ील उच्च भूमि है, यानी कि ब्राज़ील का पठार है, यहाँ से एक नदी निकलती है पराना, इस तरह बहती हुई अपना जल यहाँ गिराती है। एक नदी यहाँ से आकर मिलती है उरुग्वे, और इधर से एक नदी आती है परागवे। तीन नदियों का जो क्षेत्र है ये, इसे ही हम बोलते हैं प्लाटा रिवर सिस्टम, प्लाटा रिवर सिस्टम, ठीक है। और ये तीन नदियाँ हैं कौन कौन सी, आपकी पराना, उरुग्वे एंड परागवे, ये तीन नदियाँ हैं, और जहाँ तीन नदियाँ अपना जल गिराती हैं इस जगह पर, इसे हम बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा, क्या बोलते हैं, रियो डी ला प्लाटा, ये अपना जल रियो डी ला प्लाटा में गिराती हैं। तो ये आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, उरुग्वे के पास में, ओके। आपकी ये अब नदियाँ भी हो गई। अब हम आगे अगर चलें तो आगे हम बात करते हैं अमेजन बेसिन के बारे में, इन्होंने कुछ बता रखा है। देखिए मैंने आपको बताया था अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, एंडीज माउंटेन रेंज से, और इसका अंत होता है अटलांटिक महासागर में, यहाँ से नदी निकलती है, इस तरह से बहती हुई यहाँ पहुँच जाती है, और अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के पास में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। और ये नदी, इसके क्षेत्र में एनाकोंडा पाए जाते हैं, एनाकोंडा आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सांप होते हैं, ठीक है, और इसके क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को हम बोलते हैं सेलवास, ठीक है। अब होता क्या है कि जो सेलवास, तो हम यहाँ बोलते हैं इस नदी वाले क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे, घास के मैदान पाए जाएंगे, इन्हें हम बोलेंगे सेलवास। इसके ऊपर पाए जाने वाले यानी उत्तर की तरफ पाए जाने वाले घास के मैदानों को हम बोलते हैं लानोस, ठीक है, क्या बोलते हैं, लानोस। और इसके दक्षिण की तरफ पाए जाने वाले घास के मैदान को हम बोलते हैं कंपास, ठीक है, कंपास बोलते हैं। और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं हम पंपास, ओके। और यहाँ पर जो आपके घास के मैदान पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र पाया जाता है पराग्वे और अर्जेंटीना वाली बाउंड्री पर, इसे हम बोलते हैं ग्रान चाको, क्या बोलते हैं, ग्रान चाको। समझ में आ रहा भाई, तो जिससे समझ में आ रहा हो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो साथ ही साथ बताते चलें, ठीक है। अब ये बात होगी आपकी घास के मैदानों की, ठीक है, मैंने आपको बता दिया पृथ्वी के फेफड़ा कहते हैं इन वनों को, और यहाँ पर इन वनों में अमरेंडियन जनजाति रहती है, ठीक है, सिंपल। अब बात आती है खाड़ियों के बारे में, कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ना सेंट जॉर्ज की खाड़ी, तो ये वाली जो खाड़ी है आपकी सेंट जॉर्ज की खाड़ी है,
सेंट जॉर्ज, ओके। ये वाली खाड़ी जो आपको दिख रही है इसे बोलते हैं सेन आपकी फ्रांसिस, यहाँ पर होगा सेन मैटियास, मैटियास है ठीक है, सेन मैटियास की खाड़ी। यहाँ पर ग्रांड बे, जो इससे लिख देता हूँ GRANDE ग्रांडे बे, ये ग्रांड की खाड़ी, ओके। अब अगर हम ऊपर की तरफ चले तो देखिए इस तरफ हम पहुँचते हैं तो ये वेनेजुएला की खाड़ी, वेनेजुएला की खाड़ी यहाँ पर होगी आपकी। यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गुआक्विल, ये वाली गुआक्विल ये आपकी होगी, ठीक है। एक है पेनास की खाड़ी, ये है आपकी पेनास, नीचे की तरफ पेनास की खाड़ी, ओके। अब देखिए कौन कौन सी हमने कर ली, वो मैं मार्क कर लेता हूँ, सेंट जॉर्ज, सेंट मैटियास, गुआक्विल, पेनास की खाड़ी, और ये नहीं हुई। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर वाल्देस प्रायद्वीप है, ये वाला जो प्रायद्वीप है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, वाल्देस की खाड़ी नहीं है, वाल्देस प्रायद्वीप है, हाँ। तो ये जो प्रायद्वीप है ना आपका, यही आपका कहलाएगा वाल्देस प्रायद्वीप, जहाँ ज़्यादा खाड़ियाँ नहीं हैं, आप आसानी से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। मैगलन जलसंधि यानी मैगलन स्ट्रेट, इस स्ट्रेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्ट्रेट क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में जलसंधि। जलसंधि का काम क्या है, दो ये जमीन के हिस्से, मान लीजिए लैंड है, ये भी लैंड है, इन लैंड एरियाज को तो अलग करना और दो वाटर बॉडीज को जोड़ना, ठीक है। तो ये मैगलन जलसंधि, यहाँ पर है मैगलन जलसंधि, और ये किसे अलग करती है, इसे बोलते हैं टियरा डेल फ्यूगो, टियरा डेल फ्यूगो, इसको दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करती है मैगलन स्टेट। तो आपकी मैगलन जलसंधि यहाँ पर होगी। अब आती है बात ड्रैग पैसेज, जो आप देख रहे हैं ड्रैग पैसेज, ड्रैग पास बोलते हैं जैसे हम, तो ड्रैग पास जो है ना वो आपका यहाँ पर है, और ये किसे अलग करता है, इसके नीचे आप सभी को पता होगा अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका, इस अंटार्कटिका महाद्वीप को डायरेक्ट पैसेज अलग करता है किससे, आपके साउथ अमेरिका से, ठीक है। तो ये आपकी सारी सारी खाड़ियाँ हो गई, स्टेट हो गई, और जलसंधि आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं हम दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान, जो मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहला लानोस यहाँ पर हो गया, लानोस घास के मैदान, कहाँ, वेनेजुएला वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। दूसरा है आपका कंपास, ये ब्राज़ील वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। ग्रान चाको आपके, ये रहे ग्रान चाको, मैंने आपको बताया था ये ग्रान चाको हैं, ठीक है। और आपके सेलवास अमेजन वाले क्षेत्र में सारे के सारे सेलवास हैं, और पंपास नीचे अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो ये आपके ग्रासलैंड्स हैं, कौन कौन से, लानोस, आपके सेलवास, कंपोज, आपका ग्रान चाको एंड पंपास, ये घास के मैदान है पाँच। तो इसमें ये पूछ सकता है कि ये कौन कौन से घास के मैदान हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यानी कि ये बिल्कुल भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है, ठीक है। ये सेलवास उष्णकटिबंधीय, सेलवास और आपका कंपोज कौन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान, ठीक है। सवाना घास मैदान कौन से होते हैं, जो 3 से 4 मीटर की ऊंची लंबी घास पाई जाती है, उसे हम सवाना घास के मैदान बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सवाना घास के मैदान यहाँ पर पाए जाएंगे। अगला आपका है सेलवास, हो गया आपका पंपास, ये पंपास जो है आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण यानी कि यहाँ पर ठंड वाला क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है। और ये ग्रान चाको जो है आके, ये उपोष्ण है, ना तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंध है ना उष्ण कटिबंध है, तो है उपोष्ण कटिबंध है। तो उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं आपके, ग्रान चाको, ये आप इस तरह से घास के मैदानों को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तुम पास मैंने आपको बता दिए सारे सारे, इनमें कुछ नहीं है। अब बात आती है प्लेट्यूज की, कि जो साउथ अमेरिका के प्लेट्यू यानी पठार कौन कौन से हैं। देखिए एक तो ब्राज़ील का पठार है ये वाला, ठीक है, ब्राज़ील पठार फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज बोलीविया प्लेट्यू, ये आपका बोलीविया प्लेट्यू यहाँ पर है, ये आपका बोलीविया प्लेटू हो गया, पेटागोनिया प्लेटू, यहाँ पर आपका पेटागोनिया प्लेटू है, ये आपका डेजर्ट जो पेटागोनिया प्लेटू पर ही है, ठीक है, ये आपका पेटागोनिया प्लेटू होगा। गिनी प्लेटू यहाँ पर, ये रहा गिनी का पठार, ठीक है। अब बात आता है मोंटेग्रासो, ये है आपका मोंटेग्रासो, जो ब्राज़ील और बोलीविया दोनों में,
ये आपका ब्राज़ील में और बोलीविया दोनों की बाउंड्री पर है। तो आपके प्लेट्यूज हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, आपका गिनी पठार, ब्राज़ील का पठार, आपका मोटेग्रासो पठार, बोलीविया का पठार और पैटागोनिया का पठार, ये इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज बनते हैं आपके किसके, साउथ अमेरिका के। तो आप यहाँ से इस तरह से याद रख सकते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यदि आप मेरी वीडियोज़ यहाँ देख रहे हैं तो आप ऑक्सफोर्ड एटलस जरूर ले लें, जिससे आप साथ के साथ पढ़ें और उसमें देखते हुए चलें तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क सर्वाधिक मिलता है यहाँ पर, लौह अयस्क है। और यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है, कॉफ़ी उत्पादन सर्वाधिक होता है। और कॉफ़ी के जो यहाँ बाग होते हैं उन बागों को हम बोलते हैं फजेंडा। क्या बोलते हैं? फजेंडा, जैसा यहाँ लिखा हुआ होगा, हीरा फजेंडा। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा शहर है जो ट्रॉप मकर रेखा पर है, साओ पालो। साओ पालो से यहाँ पर एक इनका सिटी और है जिसका नाम है आपका, बताने वाला हूँ, सेंटोस। ठीक है, सेंटोस और साओ पालो के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका काम क्या है, यहाँ से कॉफ़ी का एक्सपोर्ट होता है ब्राज़ील से, यहाँ से कॉफ़ी जाती है और इस सेंटोस बंदरगाह से, सेंटोस बंदरगाह से विश्व के अन्य देशों तक कॉफ़ी का यहाँ पर निर्यात किया जाता है। तो इसी को जो ट्रेन कॉफ़ी लेकर जाती है, इसे बोलते हैं हम कॉफ़ी ट्रेन। क्या बोलते हैं? कॉफ़ी ट्रेन। कहाँ से कहाँ चलती है? साओ पोलो से आपके सेंटोस बंदरगाह तक। ठीक है, ये आपकी कॉफ़ी ट्रेन चलती है। ठीक है, और इनकी डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? 55 किलोमीटर। ये आपसे इतना पूछेगा नहीं वैसे, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब बात आती है कंट्रीज़ के बारे में, बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है इस पढ़ने के हिसाब से। देखिए, ब्राज़ील के बारे में हम पढ़ेंगे और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कौन सी है? ब्राज़ीलिया, जो कि यहाँ पर ब्राज़ील के पठार पर स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में एक आइलैंड है इनका, जिसे हम स्नेक आइलैंड बोलते हैं। यहाँ पर एक स्नेक आइलैंड है, यहाँ पर क्या है कि सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में लगभग 10 से 12 सांप मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वर्ग मीटर में, वर्ग किलोमीटर में, वर्ग मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर सांप की अधिकता ज़्यादा है। दक्षिणतम बिंदु मैंने आपको बता दिया, ये सब, ये टीरा डेल फ्यूगा है, इसे यहाँ पर मैगलन जलसंधि द्वारा अलग किया जाता है, सिंपल है ये। ठीक है, अब बात आती है चिली। चिली कहाँ पर है? ये आपका जो आप यहाँ पे येलो कलर में देख रहे हैं ना, लाइट येलो में, ये चिली कंट्री है पूरी पूरी। इस चिली कंट्री की बात क्या है कि ये एक शुष्क देश है। यहाँ पर एक डेजर्ट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं अटाकामा मरुस्थल। अभी पढ़ाया था मैंने आपको अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल बनता कैसे है? देखिए, नीचे से एक ठंडी जलधारा आती है समुद्र से यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। ठीक है, इस पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा की वजह से ये ठंडी होती है, तो यहाँ पर पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। वाष्पीकरण नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी, वेपराइजेशन नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी। अगर बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर ये स्थिति क्या होगी, यहाँ पर डेजर्ट बन जाएगा। तो इस डेजर्ट का निर्माण पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा द्वारा हुआ है यहाँ पर चिली में। और यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के सर्वाधिक भंडार हैं, नाइट्रेट। ठीक है, और यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है अरिका, जो यहाँ देख पा रहे होंगे। ये अरिका सिटी जो है, इसे घोस्ट टाउन बोलते हैं। घोस्ट टाउन क्या बोलते हैं? यहाँ ये बहुत शुष्क क्षेत्र है और यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। लोग आपको मुश्किल से ही देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम व्यक्ति देखने को मिलेंगे, दूर दूर तक आपको कोई व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? घोस्ट टाउन। कौन सा? अरिका, जो यहाँ पर सिटी आप देख पा रहे हैं, अरिका। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें, ये भी चिली की बात है। चिली में, चिली इंपॉर्टेंट क्यों है? चिली जो है तांबे का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर सर्वाधिक। ठीक है, और जिस तांबे का प्रोडक्शन जिस जगह से होता है उसे बोलते हैं हम चुक्की माता पठार। चुक्की माता पठार, चुक्की माता के पठार से यहाँ पर तांबे का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। इसी वजह से इसे विश्व की तांबे की राजधानी भी कहते हैं। किसे? चिली को। विश्व की तांबे की राजधानी, तांबे की राजधानी। ठीक है, ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये आपका कोई पास है, उस पाल्टा पास, जो कि अर्जेंटीना और आपके चिली के बीच में रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, और कोटोबैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, वो आपका इक्वाडोर में मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब है वेनेजुएला की बात। अब एक कंट्री है आपकी वेनेजुएला, जो यहाँ पे यहाँ देख पा रहे हैं वेनेजुएला।
ये वेनेजुएला आपकी यहाँ पर खनिज तेल के उत्पादन के लिए फेमस है, यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन सर्वाधिक होता है और ये ओपेक का सदस्य है। और यहाँ सबसे ऊंचा जलप्रपात जो मैंने आपको बताया था कैरो रिवर पर, उसका नाम था एंजेल जलप्रपात, जिसकी हाइट है 979 मीटर। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसे बताने की जरूरत अब दोबारा समझता नहीं। आगे बात करें इक्वाडोर, ये वाली सिटी देख रहे हैं आप इक्वाडोर, ये है इक्वाडोर। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है चिम्बोराजो है, कौन सी है, चिम्बोराजो, जिसकी हाइट 6267 मीटर। और इसकी राजधानी क्वीटो, मैंने आपको बताई थी दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है, सॉरी इक्वाडोर की राजधानी थी क्वीटो, जो मैंने आपको गलती से बता दी पेरू की, ठीक है, इक्वाडोर की राजधानी है। अब आगे चलते हैं, जो कि ये आपको बता चुका हूँ मैं, कोलंबिया जो सिटी है आपकी, ये वाली, ये आपकी अटलांटिक ओशन और प्रशांत महासागर दोनों से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कि खनिज कौन कौन से देश से कौन कौन से मिलते हैं। तो जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम वगैरह है, वो आपका वेनेजुएला वाले क्षेत्र से ज़्यादा मिलता है, और यहाँ पर त्रिनिदाद और टोबैगो द्वीप हैं, द्वीप समूह, वहाँ से मिलता है। तांबा चिली से सर्वाधिक मिलता है। यहाँ पर टिन की बात करें तो बोलीविया के प्लेटू से मिलता है। मैगनीज बात करें तो ब्राज़ील से सर्वाधिक मिलता है। बॉक्साइट की बात करें तो गुयाना और सूरीनाम से बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादित होता है। आयरन ओर मिलता है आपका ब्राज़ील से। तो ये कुछ खनिज क्षेत्र हैं जहाँ से खनिज मिलते हैं। तो ये आपके खनिज क्षेत्र के बारे में बात हो गई। तो यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका से रिलेटेड यही फैक्ट थे, और ये ज़्यादा डीपली मैंने इस वजह से नहीं पढ़ाया कि वीडियो एग्ज़ाम में ज़्यादा चीज़ें आने वाली नहीं है, मतलब डीपली नहीं पूछेगा, जो जानकारी है आपकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने आपको साउथ अमेरिका कंटिनेंट पूरा करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो हमारी, या तो अफ्रीका होगी या फिर यूरोप, ठीक है, धन्यवाद।